गाइज दिस इज सूरज पंचोली एन एम हेयर विद सिद्धार्थ कानन माई ब्रादर मैंने दिल से बातें की इनके साथ सो प्लीज वॉच इट मैं अभी भी इनसे मिला एंड ही गेम मी दैट वेरी स्वीट क्यूट सा स्माइल बहुत फ्रेश लग रहा था मेरा भाई सूरज पंचोली वापस फ्रेश फील कर रहे हो कि नहीं ऑफकोर्स आई एम थैंक यू फॉर कमिंग होम आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम होम एंड टेक दिस इंटरव्यू बिकॉज ही इज माई ब्रदर एंड ही इज ऑलवेज वेलकम होम हाउ स्वीट और मैं बता दूं कि शूटिंग से पहले सूरज बोला था ये हटा देते हैं फ्रेम से वो हटा देते इतना केयर हमारे शो के लिए 2015 हीरो राइट right? yes. जब तुम आए लोगों ने कहा क्या स्क्रीन प्रेजेंस है बंदे का गुड लुकिंग है अच्छी एक्टिंग करता है वाकई में बड़े स्क्रीन का हीरो है राइट right? में ट्वेंटी yes. कई अफसोस रखते हो कि जो पोटेंशियल था वो टैप नहीं हुआ हालांकि दे से इट ओवर ओवर, टिल इट्स राइट? ऑफ कोर्स नॉट। नॉट? आई 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 एम एम यंग बॉय। ड्रिवन। पॉजिटिव। एंड व्हाई रूम बट दैट थिंग्स तो अ uh, कोशिश जारी है yes। जब एक कॉम्प्लिकेशंस तुम्हारे साथ चल रही थी हम्म mm एवरीडे -hmm. तुम बोल रहे होगे यार मेरा ये दोस्त बड़े स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है mm -hmm. और लोग कह रहे थे कि मैं नेक्स्ट स्टार हूं स्क्रीन पर इमोशनली तुम्हें ड्रेन आउट करा था वो फेस पे ये सोचकर कि यार ये टाइम मैं यूज करूं अपने करियर के लिए सी अगर मैं मना करूं तो आउट बी लाइन अम एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं वी ऑल वॉन्ट टू मेक पीपल अराउंड अस प्राउड ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू मेक माई फादर माई मदर माई सिस्टर मोर देन दैम आई वॉन्ट टू मेक माई स्टाफ प्राउड दीपल हु है लिटरीली रेज मी एट होम हु हैव वर्क विद मी ऑन सेट माई फर्स्ट फिल्म और माई सेकेंड फिल्म थर्ड फिल्म पर मैं तैयार था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो स्टार्ट है इट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टार्ट लाइक अनादर एक्टर और पीपल कॉल स्टारू नो सो आई वॉज रेडी फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशन्स मुझे पता था कि um, इसका इसका बैक क्लैश क्या होगा और इसका पॉजिटिव साइड क्या होगा तो आई वलवेज वर्क दैट वे एंड नाउ एम अपोजिशन इन माई लाइफ वेर आई एम फियलिस आई एम कॉन्फिडेंट अगर मैंने वो देख लिया है लाइफ में तो आगे वाला जो लाइफ बचा है वो काफ़ी ईजी है। एंड आई एम पॉजिटिव ब्रदर आई एम पॉजिटिव आई टेल आई वाई पॉजिटिव बिकॉज गॉड गिव मी पेरेंट्स हु हैव बिन वेरी सपोर्टिव गॉड गिव मी अ सिस्टर सना हु हैज बिन सुपर सपोर्टिव एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड मी लाइक पीपल हु हैव रिज्ड मी एट होम Uh, my staff, my cook, people who have actually taken care of me. they have really been a pillar to me. It's not only the father and mother or the sister who uh, are there for you. it's other people around you know. and I have really been gifted because they have always kept me happy and positive and always driven. so uh, uh, and um, what I want to say is that uh, I have just been positive about everything.

That pressure has taught me how to uh, overcome a lot of fears. I was a very shy kid even in school I was very very shy. I was not so good good in studies. I was very good in sports I was I still am an introvert, but it has made me stronger and it has made me more independent. Uh, I don't know it's made me more driven. It wants. I don't know. I just want to prove things to myself, not to nobody else. I'm in no competition with anybody, because uh, my journey has been very different from others, you know. And my happiness is not uh, being the number one star. My happiness is going to be uh, living a very balanced life, uh, living a very um, humble life. Uh, People think, ke, okay, he's a star kid. My father has a certain image. My father has this a bad boy, person who's done many things wrong. I don't agree with it. Of course, he's done things wrong. You know, he's my father. I love him no matter what. I don't agree with the way he has handled things in his life. But in a way, I have forgiven him because. I know that I'm his only uh, support in life. You know, um, I want to make him proud. I want to make my mother proud. Yeah. She has done so much for the family. She has sacrificed so much for the family. Mm -hmm. um, my sister. Um, so, what my success is going to be is to take care of them. That is it. Yeah. Wow. These tough times you've It took personal ones, you went through, mm -hmm. jo court cases with, jail time, mm -hmm. but I want to do a little flashback. जब आपके पिताजी के बारे में ये सारी इंस्टेंसेस हो रहे थे तुम बहुत छोटे थे राइट? Right? यस। yes. उस वक्त आदित्य साहब जो करते थे तुम उससे अग्री नहीं करते हो नहीं बट आई टेल यू एट दैट टाइम वो वक्त मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है वो पता मुझे, मुझे पता भी नहीं था पता भी नहीं था कि uh, मेरे फादर एक एक्टर है या स्टार है या मेरी मदर एक एक्टर है या स्टार है जस्ट अ सन एंड माई सिस्टर डॉटर यू नो टू दैम तो मैंने ये सब रियलाइज़ किया इंडस्ट्री में आने के बाद जब मैं लोगों से मिला जब मैंने न्यूज़ पढ़ना uh, शुरू किया बॉलीवुड न्यूज़ दैन आई अंडरस्टूड दैट ओके दीज आर द थिंग्स दैट हैव इट कोर्स हर्ट मी अलॉट बट लाइक आई सेड आई लव माई फादर बट उस वक्त जब ये चीज़ें आपके पिताजी के साथ हो रही थी तब आ बहुत छोटे थे ऑफकोर्स बहुत छोटा था तो आपको उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि ये सारी चीजें हो रही ऑफ कोर्स नहीं नो um, no. कभी आपने अपने पिताजी के साथ आमने सामने बैठकर मैन टू मैन बात किया इन चीजों के बारे में अभी सिंस द पास्ट वन ईयर आई वुड नॉट से दैट आई हैव सेव हिम बट आई थिंक दैट वन लुक टू इच अदर से A lot more than us saying something to each other verbally. So, and he 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 uh, understands his uh, mistakes, um, and uh, he's seen the consequences of his actions and everything. So it's an understanding. It's not that i bad. or you did that. It's never been that. You know, it's a

Mm -hmm. क्या वो तुमको इम्पैक्ट कर रहा था इमोशनली एंडलीट दैट पॉइंट अबाउट ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स ओल्ड इट डेंट रियली हिट मी एज मच एज मे बी इट हिट माई सिस्टर बट आई थिंक अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप हर रिलेशन में होता है हर घर में ही होता है uh, फर्क सिर्फ ये है कि फिल्मी बैकग्राउंड में ज्यादा हाईलाइट होता है वो चीज़ बट समवेयर इन साइड ऑफ कॉर्स इट अफेक्टेड माई सिस्टर मी बोथ बट लाइक ए सैट वी हैव बिकॉज हैडी मेक्स मिस्टेक्स जैसे मैं हाल ही में गया था बेंगलोर ओके माई मदर इज सेवेंटी टू ईर्स ओल्ड एंड मैं अकेले एक ट्रिप के लिए गया था mm -hmm. वो, वो वर्क और मैंने अपनी माँ के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया ऑफलेट कॉफी शॉप में बैठे थे वी एट टुगेदर, आई वाज वे इन अ हाउस फॉर टू थ्री डेज विदाउट माय वाइफ किड्स तो मेरा वन ऑन वन बॉडिंग बहुत सॉलिड था और मैंने रियलाइज किया कि कुछ चीजें मुझे करनी चाहिए थी लास्ट फ्यू ईयर्स जो मैंने नहीं किया था आई वॉज वर्किंग लाइक अ मशीन एंड माई कॉन्वर्जेशन विद माई मदर वोली हा मा

The past with my mother, nor has she ever discussed uh, her past or my past, because there already has been so much of pain over there. So why to get into that? You know, um, she's relieved now that uh, I have uh, moved on from that, and I have I am relieved that she has moved on from her issues and her problems. Uh, my father and my mother are very happy together now. Um, so, talk, I mean, I, I believe in moving on. I always believing believe in second chances, third chances in my life or everyone else's life. I think we all are bound to make mistakes. Uh, nobody is perfect. Whoever's trying to be perfect or or, or portraying to be perfect uh, is all it, it's all just a, a thing for camera. Otherwise, everyone has their flaws. Everyone has their. प्रॉब्लम्स इशूज एवरी थिंग सो आई बिलीव इन रियालिटी तुम्हारा जब वर्डिक पास किया गया था फाइनली mm -hmm. कि तुम फ्री हो इन सब चीज़ों के साथ mm -hmm. पहले चीज़ तुमने क्या किया आई वेंट एन हग माई फादर एट होम बिकॉज मेरे साथ मेरी मॉम आई थी टू द कोर्ट आई वेंट एन हग माई फादर एंड मिसिस एट होम आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट but in my head i had always pictured that moment so it was like uh, deja vu for me i don't know because inside of course i knew that you know it took 10 years uh, maybe almost 11 years for it to happen but i was living my acquittal every day because i was positive about life and positive because i knew that i never did anything wrong um, i was portrayed in a way to, to make uh, Suresh Pancholi looked like he's the bad guy, but I knew inside, and people around me knew uh, the truth and knew and know who I am. You know, um, um, and uh, yeah, that's it. <laughs> uh, when you look back, judgments were passed on you, right, mm. without knowing you. Those uh, judgments, ऊपर आ रही थी राइट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस दस ग्यारह साल का क्या तुम्हें लग रहा है इंडस्ट्री भी तुमसे दूर चली गई थी ये सोचकर कि जब तक इस पर जजमेंट्स फुल फ्लेजडली ऑफिशियली ना आए hmm. उन लोगों ने अपने आप को एलिनेट किया आपसे इट वाज अदर वे अराउंड आई took one step back क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और शायद भाई आप एक एक्टर हो और आपके पास आपके ऊपर कोई एलिगेशन है कुछ है और मुझे मालूम है कि आप आपकी गलती है नहीं पर कोर्ट आपका ट्रायल कभी भी स्टार्ट कर सकती है एट एनी पॉइंट दे कैन कॉल यू टू कोर्ट एंड स्टार्ट योर ट्रायल मुझे पता है आपके पास ट्रैवल uh, रिस्ट्रिक्शंस है मुझे पता है कि आपके लीगल इशूज़ है लॉयर्स ये सब के साथ तो एज ए प्रोड्यूसर आई वुड वॉन्ट टू वर्क विध यू बट आई वुड बी अ लिटल कि वो जाके आप पहले ख़त्म करके आओ तो मैंने स्टार्टिंग में एक दो बार चीज़ सुना फिर मैंने सोचा कि मैं एक स्टेप बैक लेता हूँ क्योंकि उनकी गलती है नहीं uh, ना मेरी गलती ये सिचुएशन की गलती है लेट द सिचुएशन पास एंड नाउ दैट इट हैज पास थिंग्स आर आ मच बेटर यस तो आप क्या अभी लोगों को सामने से फ़ोन करके बोल रहे हो देखो मैं फ्रेश हूँ मैं सिर्फ थर्टी टू टू ईयर्स का हूँ yeah. मैं सूरज पंतोली टू पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ yes i'm ponchuli not one02 i I'm, I'm myself since the beginning this is who i was always and this is who i am and this is who i will be whether i be flawed whether i be wrong whether i be bad um, and in my heart if i know that if i know that i am not harming anyone uh, i don't think you see people ask me okay, what have you learned? what have you changed about yourself? i actually have not really changed anything about myself because uh, at that point also uh, i never thought i did anything wrong. and today also i feel like i didn't do anything wrong. so there's not much to change. but uh, yes, i have been uh, approaching producers and directors. i have been approached by a few also. there are two things i'm doing at the end of this year. Um, wow yes uh, toh, i'm back on it i'm back on it i took care of myself i never got into alcohol or drugs or cigarettes or any kind of chemicals never did that shit tempted so, the like this i'm no never i always took care of myself um, i've always eaten well slept well um, thought positive yeah. but सोसाइटी हमारा hmm. भले ही केसेस ऑन होते हैं hmm. सब लोग वर्डिक्ट पास कर देते मीडिया ट्रायल्स होती hmm. हैं आम इंसान विदाउट नोइंग एनीथिंग सेज ऑफ थिंग्स वो कौन से जजमेंट्स तो अपने hmm. बारे में सुन रहे थे एंड तुमने बोला कि यार आ, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है रुक जाओ दोस्तों दैट मस्ट प्लेड ऑन योर माइंड गिवन एन इंटरव्यू ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं द सी दिस नॉट मच आई कुड डू जब आपके बारे में लोग बुरा बोलते हैं ना, तो आई बिलीव और जब आपका मैटर कोर्ट में है आई बिलीव दैट जब तक आपको एक क्लिन चट नहीं मिलता है तब तक लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और क्लिन चट मिलने के बाद भी लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे पर क्या ये लोग आपका पेट भरते हैं आई डोंट थिंक सो क्या ये लोग आपके साथ बैठ के बातें करते हैं जब आप का दिन बुरा होता है क्या लोग आपके साथ रहते हैं नो नो सो दीज सर्टन पीपल एंड सर्टन जजमेंट्स टिल अ सर्टन पॉइंट बॉद मी बट देन लेटर आई लाइक नो आई नीड टू लाइक बी ड्रिव एंड पॉजिटिव आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिसंगीपल आर सींग बैड अबाउट यू इट टेक्स यू द शेल बट आई हैड टू ब्रेक आउट ऑफ द शेल एंड द ओनली

Sister and mom have been very strong from the beginning, from day one. Dad is very emotional and uh, I'm the younger child, so he was very hurt. Sometimes he felt that because of his past mistakes that I went through these things. Um, so maybe sometimes he would uh, shed a tear or two. Uh, but uh, rest everyone has been positive really.

मैं हमेशा उनकी तो जो टोनालिटी है तुम्हारी वो हमेशा ऐसे रहती है उस वक्त भी अब भी ये सब राइट फादर यूज टू आईज तुम उस वक्त मेंटेन करते थे या तुम भी अपने आप को कहते रहे इट्स ओके मेरे पिताजी है मैं भी ब्रेक डाउन हो सकता हूं उनके फ्रंट में इट्स फाइन आई शेयर रिलेशन विथ माई फादर आई टेल यू हाउ जस्ट अ लुक विथ him in the evening when i sit with him that's it we don't talk much till today we don't talk much yeah when he's done with his meetings his day whatever he sits down he has his drink i sit with him i watch cricket with him or maybe some uh, reality show that he's watching or something i sit with him you know there's not much we do we sit we look at each other he smiled at me i smile at him um, about

At 5 in the morning, she packs it. She takes her own Hyderabadi food that she cooks to set. She drives by herself. She has no driver. She has no spot boy. My mom, yeah, I think it has been how many years that my mom has been acting? Maybe 35 years or maybe more. And she has, she still does her own makeup. She still drives back from her shoot by herself. So uh, she is driven in a different way only. माई अ डिफरेंट पर्सन तो शी हार्डलीप्पी बट बट हार्ट टू हार्ट्स उस वक्त भी हो रही थी जब ये फेज हो रहे थे मॉम के साथ क्या तुम उनके साथ एक्सप्रेस कर पा रहे थे कोर्स मैं अपनी मॉम के साथ थोड़ा ज़्यादा बात कर सकता हूँ uh, uh, पर uh, हमने कभी ये चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं किया जिस दिन मेरा एक्विटल हुआ कोर्ट से उस दिन भी मैं और मेरी मॉम um, गाड़ी में बैठे थे पीछे एंड वी जस्ट हेल्ड हैंड्स शी जस्ट किस्ट माई हैंड वंस फ्रॉम वर्ली टू वर्सोवा वी डिन नॉट से वर्ड वी जस्ट होल्डिंग हैंड्स विद योर फैमिली यू डोंट रियली नीड टू सेफ फैमिली नो यू सो मच एंड यू नो योर फैमिली सो मच आई डोंट थिंक दैट द इज सो मच टू से वर्ड्स के नॉट एक्सप्रेस हाउ यू फील एंड and and for me happiness is not okay oh I'll be out and i'll be happy oh I'm so happy no it's not that I'm not that kind of a person nor is my family yeah. आपने 22 two days जेल में बिताए थे right I think so yeah क्या था महोल end उस वक्त तो आप तब भी अपने आप को hold कर रहे थे properly कि क्या था I was numb that time um, I don't remember much I've tried to forgotten,, yeah. because it's 10 years ago, and uh, um, it's a life that of course, no one should see. Uh, not even your worst enemies, not even the people you wish bad for. Um, worse than jail was going to court. Jail still people don't bother you. Uh, court is really hell. It's hell going to court every week, dealing with lawyers, um, getting the next date, getting the next, 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 till it's the next year. And then next, next, next till is the next year. And then I waited 10 years like this. Yeah. So court is the main, main, was the main jail for me. Yeah. Ye रिलेशनशिप जिसके लिए आपको अक्यूज किया गया था वो आपका सबसे शायद शॉर्टेस्ट रिलेशनशिप था राइट यस डू यू थिंक इसके बाद जो आजकल से हम लोग देख रहे फॉर एग्जांपल एक टीवी एक्टर को भी अक्यूज किया था फॉर इज अजेड गर्लफ्रेंड जिन्होंने उनको बताया था मैं बता रहा हूँ आपको hmm. एक टीवी एक्टर uh, को भी किया गया था फॉर इज एलिजिट गर्लफ्रेंड कमिटिंग सुइसाइड एंड उनको जेल भी किया गया था डू यू थिंक आपको ये सब देखने के बाद लोग थोड़े वेरी हो जाते हैं रिलेशनशिप्स के साथ आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो आई बिलीव इन लव आई इन लव इवन आफ्टर दैट नो आई थिंक सो यू बेन रिलेशनशिप सुना है लास्ट सेवन ईयर्स

Uh, on and off on instagram sending each other memes um, she's married to a friend of mine only um, and we're in touch here and there sending each other memes and hello hi whatever but she, after her, her, her marriage i've not met her no. no but during that tough phase you know like with oh yeah she was a very good co-star funny person um, also very a very positive person i would like to say but uh, I got very close to her father, Sunil sir, and he's like uh, a mentor to me also. And he's really been there for me. Tiger, aapke ke dost hai, yes. right? And what a wonderful boy. Yes, he is. In fact, very soft spoken like Like I keep saying, my daughter's going to turn eight years. Yeah. Every year he comes for her birthday. Yes. Every year. The Thank you for inviting me. <laughs> I, will, I will this year, promise it's so, coming up. And I love that about him also. Yeah. Was he also, a pillar of strength? See, he's a good. He's a good. See, we, we were never uh, chuddy buddies, but he's always been supportive. No matter what work I do, or no matter uh, where we meet, um, he's always been a brother from another mother. Really, always. But amongst your friends in the entertainment business, who were? Is a rock hota aapke liye the. From the industry? I don't, I don't have friends from the industry. I don't have any actor friends. QSA? All my friends are from school and from college and from my building, and I don't have filmy friends. Zero filmy friends. Maybe Rinzing, who's uh, Danny Sir's son. Um, वेरी गुड फ्रेंड माइंड जिम टूगर बट आई क्यों ऐसे क्योंकि आपको लगता है कि सब सुपरफिशियल होता है इसलिए नहीं है बा, मैं सिर्फ अगर कोई बैकग्राउंड से है या उसका बेटा या इसका बेटा या ये प्रोड्यूसर का बेटा है उसके लिए मैं दोस्ती क्यों करूँगा दोस्त दोस्त होते यार दोस्ती रियल होनी चाहिए <laughs> फर्स्ट शो फर्स्ट शो इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं कि दे डोंट गेट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री बिकॉज वही बातें होती है एंटरटेनमेंट बिजनेस के बारे में सब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं ये मेरे दोस्त कभी होंगे या कभी हो सकते हैं नो इट जस्ट वेरी ऑर्गेनिक आप एडी थे संजय लीला मंसाली के साथ राइट right? संजय सर के साथ वापस आपने रीच आउट किया इतना अच्छा काम कर रहे वो सब कहीं आपने बोला सर आई एम बैक सुन हीज़ बिन बिजी विथ शो हीज़ कॉल्ड हीरा मंडी आई डोंट नो इफ यू नो बट संजय बंसाली सर इज माई नेबर यस वी लिव इन द सेम बिल्डिंग हाँ दैट इज़ हाउ रीच स्टार्ट टू हिम सेइंग दैट सर मुझे ए बनना है मुझे असिस्टेंट बनना है hmm. प्लीज़ मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ क्या Uh, I was very young that time. I was around 17, 16, 17 years old at that point. Ah. Uh, but I will reach out to him, of course. He's God. Uh, and I need to uh, be presentable to go up there. more presentable my brother? No, no, he doesn't like muscles. He doesn't like all of this uh, filmy giri, nothing. He wants a good actor, that's all. You are a good actor? Do you think you're a good actor?

ई लो पॉइंट इन माई लाइफ मैं कभी रॉकी बल्बोआ देखता हूँ yeah. मैंने रॉकी सीरीज पच्चीस बार देखी है शायद आपने भी देखा हुआ है वो कौन सा कोर्ट था या किसी ने कुछ कहा होगा लाइफ में इन योर जर्नी जो आपको हमेशा दिमाग और दिल में रहता है और अपने आप हाँ को आप बोलते हो बॉक्स like अपने आप हाँ से कहता है All of them in my life. Um, my nana was about 90, about 95, 96 uh, when he passed away, and even a year before he passed away, he would, when I would meet him, he would hardly recognize me, and when he would, he would sit down. Uh, he would still smoke a BD at, uh, at the age of 95. Huh? एन यूड सिंग वन सॉन्ग दैट आई हैव टू रन माई सेल्फ इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग इट्स अ वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग आई हैव इट हियर इट्स एज इट्स अल्ड सॉन्ग आई बिलीव इट्स फ्राम आई थिंक दिलीप कुमार मूवी आई थिंक आई एम सॉरी फा एम रॉन्ग इट्स एज चल चल रहे नौजवान दूर तेरा गाँव और थके पाँ फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान in it's about a soldier it's a soldier's song and it's a song that tells him no matter what comes across your life, you have to keep walking and you know I was very small when he used to sing that to me, but it makes sense to me today that's why I got a tattooed on me a few years ago Yeah, and this is what drives me every day: Wow yeah. Salman Khan not factor be strong in your life Yes. वक्त मिलता है उनके साथ बात करने के लिए या उनको वक्त मिलता है आपसे बात करने के लिए uh, yeah. me. I mean, मुझे मालूम है वो आपके मिनटोर है उन्होंने आपको लॉन्च किया yeah. उस फेज में उनका रोल क्या था I think a savior, a savior, Messiah. यू नो मे बीफी वॉज नॉट देर आई वुड नॉट बी सो पॉजिटिव इन लाइफ नो तो ये जो आउटलुक था आपका mm -hmm. कि वर्कआउट करो बिजी रहो अपने ऊपर ध्यान दो डोंट गिव फ्री टाइम टू नेगेटिव थाट्स क्या आप कह रहे हो उनका एक्चुअली कुछ था उस सोच में नो ये सर थिंग यू सर डू डू एनी थिंग रॉन्ग सर नो सर

Thanks so much Suraj. Thank you brother. Thank you so much. You man. know something I was avoiding everybody's interview. I tried avoiding yours too let me be honest. Uh, is because um, I don't want any kind of sympathy from anybody. That's not what I'm looking for. Nor do I want uh, uh, people to think that I'm doing this interview just to be seen. I truly did this interview because whenever I have met you you have actually called me a brother and you have treated me one like one and Hugged me like one, and that is why you're always welcome. And next time you don't call me to your daughter's birthday. <laughs> <laughs> How sweet, my darling! Thank you so much, Ki. Yes. You trusted me with your story, and believe you me, when I say this, uh, i motivated. Feel, I'll tell you why. Right? You uh, in this conversation ki, tumne kuch life mein that anything. That comes your way now has only made you better, stronger, more empowered. Yes. Even at this phase in my life, we go through small lows, right? And we get disturbed. Mm -hmm. But maybe when you look back in life, mm -hmm. every time you get disturbed about small or big things, mm -hmm. uska a deeper purpose. Hota hai. Yes. You feel the same? I feel the same, yeah. Maybe God is preparing me for something much, 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 much bigger. In a positive way, not like yeah, yeah. another bad thing. And maybe one day, when you're sitting by a, a riverside, mm -hmm. chilling and mm -hmm. hopefully achieved a lot. Yeah. Uswak, all these anecdotes you can narrate to your grandchildren. Maybe. And they'll maybe, say, maybe. like you talk about your grandfather. <laughs> yes. They'll be talking about you. Yes. I'll be singing the same song to them. <laughs> I'll say thanks so much. Thank you, bye. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.